मंकी पॉक्स देश में ज्यादा नहीं फैलेगा अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, वरना ये हमारी गलतियों में शुमार हो सकता है, जैसे कोरोना को लेकर हमने देखा। आइए कुछ और जानकारी आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि क्या कुछ जानकारी आपको जाननी चाहिए मंकी पॉक्स को लेकर। दरअसल मंकी पॉक्स में सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपको एक तरह से रैशेस हो जाते हैं अगर मंकी पॉक्स किसी को हो जाता है तो। और ये कहां से आया, ये सेंट्रल अफ्रीका से आया है, एक तरह का संक्रमण है जो लगातार फैल रहा है कई देशों में और अब तो इसे आपात हेल्थ के लिए घोषित कर दिया गया है और इसे एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी कह सकते हैं। WHO ने अपनी ओर से बयान दिया है, वो बयान भी हमने आपको सुनवाया था। डॉक्टर्स भी अपनी ओर से कई तरह की बातें इसको लेकर कह चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मंकी पॉक्स से बचने का बड़ा तरीका क्या है। इतना ही है कि आप किसी से फिजिकली ना हो, हाथ ना मिलाएं और जैसे हमने कोरोना में थोड़े बहुत प्रिकॉशन अपनाए हैं, मास्क हमने लगाया था, कोरोना अभी भी है ये याद रखिए। एक तरफ कोरोना है, एक तरफ मंकी पॉक्स है, इन दोनों से बचने का तरीका हाल फिलहाल यही बताया गया है कि सिर्फ आप दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये आपके लिए मंकी पॉक्स में भी काम आएगा, ये कोरोना से बचने में भी काम आएगा। तो इन दोनों से बचने के लिए आपको फिलहाल सबसे बड़े तो यही काम करना होगा कि आप बचें, फिजिकल डिस्टेंस रखें लोगों से, तभी हम मंकी पॉक्स से बच सकते हैं। डॉक्टर शिखा जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मंकी पॉक्स को लेकर। डॉक्टर शिखा बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अब तक पर। जी डॉक्टर शिखा, मंकी पॉक्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में एक केस की पुष्टि और हो गई है, इससे पहले केरल में भी मामले सामने आए थे। मंकी पॉक्स से बचने का सबसे बड़ा तरीका मैम क्या हो सकता है, और ये मंकी पॉक्स को समझने का प्रयास हमने एक और डॉक्टर साहब से किया था, बेदी साहब वहां से जुड़े थे, लेकिन आपके शब्दों में हम समझना चाहे तो मंकी पॉक्स ना ज्यादा फैले, हम कैसे इससे बचे रह सकते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइट मी और ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मंकी पॉक्स इज ए नावर्ड इज वेरी सीरियस मैटर फॉर। जी मैं बोलिए। अच्छा, मंकी पॉक्स ना एक जैसे कोरोना आया था उसकी तरह ही वायरल डिजीज है और ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है, या इन्फेक्टेड पर्सन को टच केस या उसका कोई फ्लूड बॉडी में टच हो जाए तो उससे ये स्प्रेड होता है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं, और जो फॉरेन से या बाहर से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनका आइसोलेशन वगैरह भी जरूरी है। जी जी डॉक्टर, केरला में भी आ चुका है और रोडेंट या जिनसे ये स्प्रेड हो रहा है उनके लिए भी कुछ वैक्सीन या आनी चाहिए। जी मैम, अभी इलाज जिसका नहीं है जो हमें जानकारी मिल पाई है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को हमारे जरिए कैसे जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से अभी भी हम निपट रहे हैं। 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, पिछले 5 दिन का ग्राफ देखें तो ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में अब मंकी पॉक्स भी हमें डरा रहा है। हमने यहां पर यह भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि कैसे मंकी पॉक्स से बचा जा सके, लेकिन फिर भी आप बताइए कि लोगों को कितना जागरूक होने की जरूरत है। आज एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी तरफ मंकी पॉक्स आ गया। इसके लिए ना 2 वैक्सीन्स भी FDA अप्रूव हुई हैं, जो जेनी 05 है, 2 डोजेज इसके हैं, AKM2000 2 डोजेज इस वैक्सीन के हैं, और पर्सन टू पर्सन भी हमें जैसे कोरोना को हमने हराया है, डिफीट किया है, वैसे हम मंकी पॉक्स से भी हरा सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्राउड में जाने से पहले मास्क जरूर पहने, घर में लौटने के बाद हैंड सैनिटाइज करें, और घरों में या बाहर रोडेंट्स या जिनसे ये स्प्रेड हो रहा है उनसे प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। गवर्नमेंट को सैनिटाइजेशन या जिन चीज़ों से ये स्प्रेड होता है उनकी क्लीनिंग या फिर उनकी इन्फेक्शियस डिजीज को रिमूव करने के प्रोसीजर स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे जरिए आपने लोगों को जागरूक किया, बहुत अहम जानकारी भी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो आप लगभग समझ चुके होंगे मंकी पॉक्स के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी, काफी अहम है, और इस जानकारी के साथ इतना जान लीजिए कि हमें अलर्ट जरूर रहना है।